गाइस, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ हैजी न्यूज में। इटली में अभी परिजन अपने ही परिवार के लोगों को अंतिम विदाई नहीं दे पा रहे हैं। चलिए, क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे आज के न्यूज में। पर उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज के न्यूज। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर हम लोग अपने भारत की बात करें तो 2902 संक्रमित मामले सामने आए, यानी कि 3000 आंकड़ा ये पार करते हुए जा रहा है। 77 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और उसी के साथ साथ अभी देश भर में 60,000 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये सब चीजें, जो आंकड़े हैं जो बाहर निकल रहे हैं, वो काफी ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। और जो इटली में है, ये इटली एक ऐसा जगह है, एक ऐसी कंट्री है जहां पर एक्चुअली में जो कोरोना वायरस है वो काफी ज्यादा पैर पसार चुका है। वहां पर लोगों की काफी ज्यादा मरने वालों की संख्या हो रही है। अभी पहले इटली का नाम लिया जा रहा था, अभी अमेरिका में 24 घंटे में मतलब 1500 लोगों की मृत्यु का मामला सामने आया है। अभी हम लोग आपको बता दें कि इटली में क्या सब चीजें हो रही है। इटली में लगातार लोगों की मृत्यु हो रही है। वहां पर मुर्दा घरों में जल्दी से जल्दी बॉडीज को जलाया जा रहा है। डॉक्टर से जब पूछा गया कि उनके परिजनों को मिलने के लिए क्यों नहीं दिया जाता, तब उन्होंने बोला कि हालांकि बॉडी के अंदर मरने के बाद ये जो कोरोना वायरस है वो नहीं रहता, पर उसके कहीं ना कहीं बॉडी पार्ट में या कहीं ना कहीं उसको स्कैन नहीं कर सकते, कुछ नहीं बोल सकते, या उसके कपड़ों में या कहीं ना कहीं अगर लगा होगा तो वो जिंदा इंसान को आ सकता है, जिसके कारण मरने के बाद भी परिजनों को उनकी बॉडी नहीं दी जाती है और इसीलिए उनको वहीं के वहीं जला दिया जाता है, सिर्फ उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो वैसे आप खुद सोचिए, अगर भगवान ना चाहे ऐसा सब चीजें हो, अगर ऐसा सब चीजें हो गई तो कोई भी नहीं मिल पाएगा किसी से भी। अगर वो रिकवर हुआ ठीक है, अगर नहीं रिकवर हुआ तो वो आपको मिल नहीं पाएगा दोबारा से, वो वहीं के वहीं जला दिया जाएगा। और यहां पर भी इटली में भी ऐसा ही हो रहा है कि परिवार को अभी उस शख्स को मिलने नहीं दिया जा रहा और जला दिया जा रहा है अगर उसकी मृत्यु हो जा रही है। वहां पर जो लोग जला रहे हैं, जो कि कर्मचारी हैं, उनसे जब बात की गई तब उन्होंने ये चीज बोला कि बहुत सारे परिजन आते हैं, हमें बहुत ज्यादा दुख होता, रोते हुए आते, बोलते हैं कि एक आखिरी बार देखने दो उसे, पर हम नहीं दिखा सकते क्योंकि हमें स्ट्रिक्ट एक ऐसी वो मिले हुए हैं कि हम लोग ये सब चीजें आगे भी लेके नहीं जा सकते। अगर ऐसा सब चीजें हुआ तो हमारे ऊपर भी एक्शन हो सकता है, इसीलिए हम रोज हमें इस चीज को देखना पड़ता है। बहुत ही ज्यादा गंभीर हो चुकी है ये हालत, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है ये हालत। ये कब बदलेगी? बस जल्द से जल्द तब बदलेगी जब हम एक थोड़ा बहुत अगर हम लोगों से दूर रहें और उस दौरान ही हम अपने आप की सेफ्टी रखें। बाहर जाएं तो बाहर से जब अंदर आते सैनिटाइज कीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।